बुलंदशहर में मिट्टी की डांग गिरने से करीब आधा दर्जन मजदूर दब गए। एक की मौत, दूसरे को गंभीर हालत में खुर्जा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाकी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर की लाइन पर अंडरपास के लिए खुदाई की जा रही थी। ये पूरी घटना बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के नंगला मोड़ की है। स्वतंत्र जी, ये जो मिट्टी की ढांग गिरी है, क्या ये मामला है पूरा? इसमें क्या मामला ये है सर कि वहाँ पर अंडरपास बन रहा है। हाँ। और अंडरपास बनते में साइड में खुदाई चल रही है नीचे। हाँ। और जहाँ खुदाई चल रही है उसके बराबर में इतनी ऊंची ढेर लगा हुआ है कि शायद ज्यादा नहीं तो 100 मीटर ऊंचा। हाँ। जब ढांग वो मिट्टी खिंच रही है इनके ऊपर, बच्चे नीचे सफाई कर रहे हैं और कई 8-10 लोग हैं, जिसमें से 5-6 लोग दबे हैं, बाकी निकल गए हैं। तो एक की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई है, बाकी एक अभी आईसीयू में भर्ती है और बाकी के इतनी चोट नहीं है कि जो नाजुक हो। इस तरीके से मामला है। तो कहाँ का मामला है ये? नगलाकट का मामला है। गेट नंबर थाना अरनिया है, गेट नंबर 25 है, रेलवे का काम है। तो अब आप क्या कहना, क्या मांग रखना चाहते हैं? हम मांग रखना चाहते हैं इस गरीब की जिस तरीके से मदद हो, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक उतनी हो। अकेला बच्चा, अकेला बेटा है।